दोस्तों ये मूवी है द क्लिनिक, जो 2010 में रिलीज़ हुई थी और मूवी की कहानी 1979 की थी। और इसी साल के 6 सालों के बाद में डीएनए टेस्टिंग की टेक्निक आई थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे मूवी में पता चल जाएगा। तो आइए मूवी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम है बेथ और कैमरून, और इन दोनों की शादी नहीं हुई थी और बेथ अभी से प्रेग्नेंट थी। ये दोनों बेथ की माँ के घर जा रहे थे जो काफ़ी दूर था। ये दोनों बड़े मज़े से अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे थे कि तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक इन्हें फॉलो कर रहा था। कैमरून इस ट्रक को देख लेता है और उसे साइड देता है, लेकिन वो इन्हें एक खतरनाक कट मारकर आगे निकल जाता है, जिसके कारण इनकी कार सड़क से उतर जाती है और लकीली इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फिर दोनों अपने आप को संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनका रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था और ये शाम होने पर रास्ते में आने वाली एक मोटल पर रुकने के सोचते हैं। ये दोनों एक मोटल में एक रूम लेते हैं जहाँ का रिसेप्शनिस्ट बड़ा ही अजीब था, और वो कैमरून और बेथ के साथ में उनके होने वाले बच्चे का भी रेंट उनसे मांगता है, जिसके बाद दोनों वहाँ पर रूम ले लेते हैं। और फिर वो मोटल के स्विमिंग एरिया में थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेकिन स्विमिंग एरिया में होता यह है कि वहाँ पर एक आदमी और एक औरत आकर उन्हें देखने लगते हैं, जिससे कि बेथ और कैमरून अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो उनसे यहाँ आने का कारण पूछते हैं, लेकिन वो दोनों बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगेन ये दोनों यहीं पर रेस्ट करते हैं। बेथ के चेयर पर ही नींद लग चुकी थी और वो एक अजीब सा सपना देखती है जिसमें उसे एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे के आसपास खून बह रहा था, जिससे घबराकर बेथ की नींद खुलती है और वो दोनों रूम में आकर सो जाते हैं। अब आधी रात बीत चुकी थी और बेथ भी सो गई थी, लेकिन कैमरून को नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, और वो फिर अपनी कार से टाउन में जाने की सोचता है, लेकिन उसकी कार में फ्यूल नहीं था जिसके कारण वो वापस रूम में चला जाता है। लेकिन रूम में पहुंचकर वो चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में बेथ नहीं थी, वो गायब हो चुकी थी। कैमरून फिर नीचे रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट पूछता है, लेकिन वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। और फिर वो पूरी मोटल में ढूंढता है, लेकिन बेथ उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। कैमरून फिर लोकल पुलिस से जाकर मदद लेता है, और जब पुलिस मोटल में चेक करती है तो रिसेप्शनिस्ट बेथ के बारे में कैमरून को उल्टी सीधी बातें बोलता है, जिससे कि कैमरून उसे वहीं पर पीट देता है और पुलिस कैमरून को ही अरेस्ट कर लेती है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर बेथ के पास आता है और हम देखते हैं कि बेथ बिना कपड़ों के है और एक बाथटब में है जो कि पूरा बर्फ से भरा हुआ था, और बेथ के पेट में बड़े बड़े टाके लगे थे। उसके बच्चे को उसके पेट से सी सेक्शन के द्वारा निकाल लिया गया था। बेथ को रूम में एक ड्रेस मिलती है जिस पर रोमन लेटर में नंबरिंग की हुई थी। बेथ वहाँ से निकल कर आगे बढ़ती है तो वे देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग रूम बने हुए हैं और सभी रूम में बर्फ से भरे बाथटब रखे हुए हैं। बेथ वहाँ से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो एक बड़ा सा वेयर हाउस है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है, और वो वहीं पर भागने की कोशिश में बेहोश हो जाती है। बेथ को जब होश आता है तो देखती है कि यहाँ पर 3 और औरतें हैं और उनके भी बच्चों को जन्म से पहले ही पेट से निकाल लिया गया है। सभी औरतों के पेट पर बड़े बड़े टांकों के निशान थे और वहाँ से खून बह रहा था, और इन सभी के नाम थे वेरोनिका, आईवी और जेन। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि इनके बच्चे कैसे हैं और कहाँ पर है। और तभी अचानक इन्हें किसी और औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ का पीछा करने पर ये देखती है कि ज़मीन पर खून पड़ा हुआ है, और खून का पीछा करने पर इन्हें एक औरत मिलती है जिसके पेट के स्टिचेस खुले हुए थे और वहाँ से खून बह रहा था। सभी उस औरत को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। वो मरने से पहले ये कहती है कि उसका बच्चा ब्लू वाला होगा, और इसकी बातें किसी को भी समझ नहीं आती, और ये औरत यहीं पर खून बहने से मर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर कैमरून के पास आता है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। वो बचने के लिए पुलिस ऑफिसर की गन चुरा कर उसे एक पेड़ से बांध देता है, और कैमरून उसे वहीं पर छोड़कर पुलिस की कार से बेथ को ढूंढने के लिए चल देता है। इधर वेयरहाउस में बेथ और बाकी की तीनों औरतों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, कौन ये सब कर रहा है और वो उनसे क्या चाहता है। फिर सभी ये डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चों को ढूंढेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सभी वापस वेयरहाउस की ओर बढ़ जाते हैं, और ये चारों अब दो दो के ग्रुप में जाने वाले थे। आईवी के साथ में एलिसन जा रही थी और बेथ के साथ वेरोनिका, लेकिन इन्हें यहाँ पर यह नहीं पता था कि कोई इनकी हर एक्टिविटी को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा है। आईवी और एलिसन अपने बेबीज को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें कैमरा मिलता है, और एलिसन उस कैमरे को अपने गले में टांग कर आगे बढ़ती है।
वेरोनिका और बेथ एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें कुछ लोगों के फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। आइवी को कुछ खाने का सामान मिलता है जिससे खाने के लिए वो एलिसन से अलग हो चुकी थी और एलिसन एक अंधेरे कमरे में जा पहुंचती है जहाँ पर जमीन पर कई सारे कीड़े थे जिसके कारण वो जमीन पर ही गिर जाती है और कोई उसके पीछे एक सर्जरी नाइफ लेकर खड़ा हुआ था जिसके बारे में एलिसन को नहीं पता था। और फिर अचानक आइवी और बेथ को एलिसन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी उसके पास जाते हैं और वो देखते हैं कि एलिसन मर चुकी है और किसी ने उसका पेट बहुत बुरी तरह से काट दिया है। एलिसन के पेट के अंदर से एक ग्रीन कलर का टैग मिलता है जैसे किसी ने जानबूझकर उस टैग को एलिसन के पेट के अंदर डाला हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसने किया है और उन्हें एलिसन के कैमरे में एक लेडी का फोटो मिल जाता है और उस लेडी ने भी उन्हीं की तरह ड्रेस पहन रखी थी। यहाँ पर कैमरन वापस मोटल में आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसके फियांसे को कौन ले गया और वो उसे वेयरहाउस का पता दे देता है, जिसके बाद में कैमरन पुलिस की कार लेकर वेयरहाउस पहुँच रहा था जहाँ पर बेथ और बाकी की औरतें थी। लेकिन उस वेयरहाउस में पहुँचने से पहले ही कैमरन की कार का एक ट्रैप में फंसने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में कैमरन वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पर वेयरहाउस में हम देखते हैं कि सभी औरतें बेबीज को ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर सभी औरतों के बेबीज थे, लेकिन वह सभी एक केज में बंद थे। सभी बेबीज पर अलग अलग कलर के टैग लगे हुए थे और किसी को नहीं पता था कि उनका बेबी कौन सा वाला है। और वो केज इतना ज़्यादा मजबूत थे कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता था और ना ही उनके तालों को खोल सकते थे। एलिसन के पेट से उन्हें एक ग्रीन कलर का टैग मिला था और वैसा ही टैग एक बेबी पर भी लगा हुआ था। मतलब कि साफ था कि सभी औरतों के पेट में जानबूझकर टैग डाले गए हैं और उन्हें अपने अपने पेट को काटकर ही बाहर निकाला जा सकता है। जिसके बाद में ये पुलिस को लाने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन इनके पीछे खूंखार कुत्ते पड़ जाते हैं और सभी उनसे बचने के लिए जानवरों के बाड़ों में छुप जाते हैं और शाम तक ये वहीं पर बाड़ों में ही छुपे रहते हैं। बेथ की नींद लग चुकी थी और उसे फिर से वही खून से घिरा हुआ बच्चा नजर आता है, जिससे कि वह उठ जाती है और फिर वह उस बाड़े से निकलकर आइवी को ढूंढने जाती है। लेकिन वेरोनिका में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बाड़े से बाहर आए। इधर आइवी गायों के अस्तबल में थी जहाँ पर होता यह है कि कोई औरत पीछे से आकर उसका गला दबाकर उसे मार डालती है और सीसीटीवी में देख रहे लोग आइवी के फोटोज पर क्रॉस लगा देते हैं। बेथ आइवी को ढूंढते ढूंढते एक वैन में पहुंचती है जहां पर उसे आइवी की लाश दिखाई देती है। समझ जाती है कि आइवी को भी उसी औरत ने मार दिया है। वैन के अंदर बेथ को एक एबनॉर्मल लड़का मिलता है जिसका नाम डंकन था और यहाँ पर उसे उसी लेडी की फोटो दिखाई देती है जो बेथ को मोटल में दिखी थी। डंकन उस लेडी का बेटा था और इन्होंने ही यहाँ पर सभी को किडनैप किया हुआ था। डंकन के पास में बेबीज के पिंजरे की चाबी थी और बेथ उसे बेला फुसला कर चाबी ले रही थी, लेकिन वो जंगल में भाग जाता है और बेथ उसका पीछा करके उससे चाबियाँ छीन लेती है। फिर बेथ वेरोनिका को लेने आती है और उसे बाड़े से निकाल लेती है, लेकिन उसके पेट के टाके अब टूट चुके थे। वेरोनिका एक डॉक्टर थी और वो फिर से टाके लगाना जानती थी और वो बेथ के साथ में वापस वेयरहाउस आती है अपने पेट के स्ट्रेचेस को लगाने के लिए। और यहाँ पर वो लेडी भी उनके पीछे पीछे आ रही थी जिसने एलिसन और आइवी को मारा था। बेथ और वेरोनिका एक रूम में थे और वेरोनिका कांच के टुकड़े में देखकर खुद को स्ट्रेचेस लगा रही थी और तभी अचानक कोई वहाँ की लाइट ऑफ कर देता है। बेथ लाइट्स ऑन करने के लिए जाती है और इतने में वो औरत वेरोनिका को पीछे से आकर मार डालती है और वो उसके पेट से उस टैग को निकाल लेती है। इतने में बेथ वहाँ पर पहुँच जाती है और दोनों में लड़ाई के दौरान बेथ जोर से उस लेडी को एक लात मारती है और वो लेडी पीछे एक नुकीले किले से टकरा कर घायल हो जाती है, जिसके बाद में वो बाथरूम की ओर बढ़ जाती है। वो लेडी सभी औरतों को मारकर उनके पेट से वो कलर वाला टैग निकाल चुकी थी ताकि सबके मरने के बाद उसे पता चल सके कि किस किस का कौन सा बेबी है और वो खुद का पेट काटे बिना अपने बच्चे को पहचान ले। लेकिन अब वो लेडी भी मरने वाली थी और वो उन टैग्स को देने के बदले में बेथ से प्रॉमिस करवाती है कि वो उसके बच्चे का हमेशा ध्यान रखेगी जिसके बाद में वो लेडी सभी टैग्स को बेथ को दे देती है। और यहाँ पर वो कैमरा में देख रहे सभी लोग उस लेडी के फोटो पर भी क्रॉस लगाकर बेथ का फोटो अलग रखते हैं और यहाँ पर अब सिर्फ बेथ ही बची हुई थी और वो टैग्स को लेकर बेबी के पास में पहुँचती है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक भी बेबी नहीं था, जिसे देखने के बाद में बेथ बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी थी कि तभी वहाँ पर कोई आता है और बेथ को बेहोश करके कहीं पर ले जाता है
और ये लोग वही थे मोटल के ओनर और पुलिस ऑफिसर। बेथ को जब होश आता है तो वो चेन से बंधी हुई थी और उसके सामने वही दो लोग थे जो कि मोटल में आए थे। ये दोनों रशियन थे और बेथ का कई समय से पीछा कर रहे थे। वे बेथ के सामने ही एक क्लाइंट को एक बच्चे को भेज देते हैं। इस औरत का नाम था मिस शेफर्ड और ये एक रशियन थी और ये टैग वाला गेम इसी ने बनवाया था ताकि औरतें एक दूसरे को मारे और जो भी औरत आखिरी में बचेगी उसका बेबी सबसे महंगे क्लाइंट को बेच दिया जाएगा, क्योंकि उसकी माँ एक पावरफुल औरत थी और इस गेम में बेथ जीतती है। वो बेथ को मारने ही वाले थे कि मिस शेफर्ड का बेटा डंकन वहां पर आकर शेफर्ड के आदमी को मार डालता है और काउंटर फायर के दौरान डंकन को भी गोली लग जाती है, जिसके बाद में बेथ डंकन की गोली को लेकर अपने बच्चे को ढूंढने जाती है, जहाँ पर मिस शेफर्ड आकर बेथ को उसकी असलियत बताती है कि बेथ भी ऐसे अडॉप्ट की गई थी और वो उसे उसकी असली माँ की फोटो दिखाती है जिसे यहाँ पर उसी की तरह किडनैप रखा गया था और उसे यहीं पर मार दिया गया। बेथ को यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और वो वहीं पर मिस शेफर्ड के पेट को फाड़कर उसे मार डालती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि बेथ और उसके बच्चे को पुलिस के द्वारा सेफ्टी दी जाती है और उसे बताया जाता है कि उसके फियांसे कैमरन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अब सीन यहीं पर कट होता है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ अपने बेबी के साथ में अपनी रियल माँ की कब्र पर आई हुई है, जहाँ से बेथ को उसके रियल फादर के बारे में पता चलता है और वो उसी की तरफ चल देती है, जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो 1979 की टाइमलाइन पर बनी हुई है और तब DNA टेस्ट नहीं होते थे और इसीलिए वेयरहाउस में कैद औरतें अपने बेबी को पहचानने के लिए एक दूसरे को मारती है और आखिरी में बचने वाली औरत का बच्चा सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है क्योंकि उसकी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। बेथ भी एक स्ट्रांग औरत थी क्योंकि उसकी माँ भी स्ट्रांग थी और इसीलिए बेथ को बार बार बच्चे वाले सपने आया करते थे। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोज़ जल्द ही आने वाले हैं।